हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। फ्यूचर में भी ऐसे लव एंड सपोर्ट बना के रखना प्लीज। इस वीडियो पे आप देखेंगे कैसे मैंने सेलो टेप यूज करके प्लाजो के ऊपर डिजाइन किया है। आप भी ऐसे आपकी कोई सलवार पैंट या प्लाजो की डिजाइन भी ऐसे सेलो टेप यूज करके कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पर डिज़ाइन करना है वहाँ हमें मार्क करना है। मैं प्लाजो के एक साइड पे कर रही हूँ डिज़ाइन। पहले हमें स्केल से ऐसे मार्क कर लेना है। लंबाई में आप जितना चाहे उतना मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से हमें सेलो टेप लगाना है। मैं यहाँ पिंक कलर की सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये लाइन के साइड से ही हमें ऐसे सेलो टेप लगाना है। सेलो टेप को अच्छे से प्रेस करना है आपको। ऐसे हमें एंड पे टेप को ऐसे करना है। अब लाइन के उस साइड पे भी सेम तरीके से हमें सेलो टेप को लगाना है। कट कर लीजिए। अब हमें यहां से 2 इंच छोड़ के पॉइंट करके फिर से स्केल से मार्क करना है। दाब के इस साइड से ऐसे सेलो टेप लगा लीजिए। सेम तरीके से उस साइड पे भी हमें करना होगा 2 इंच छोड़ के। अब हमें ऐसे भी शेप करके सेलो टेप को लगाना है। यहां भी ऐसे सेलो टेप को हमें भी शेप में लगाना है। ऐसे करके हमें एंड तक करना है। सेलो टेप को अच्छे से प्रेस कीजिए, नहीं तो उसके अंदर कलर जा सकते कलर करने के टाइम। ऐसे वी शेप में सेलो टेप को लगा लीजिए। एक साइड की हो गई, अब हमें दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसीड्यूर से करना है। सेलो टेप लगानी कंप्लीट हो गई। अब हमें कलर करना है। मैं यहाँ सेरुलियन ब्लू और फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब अपने पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं और राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे गैप में आपको कलर लगाना है। हाथ से टच करके देखिए, ड्राई हो गया तो सेलो टेप को उठा लीजिए। ड्राई होने के बाद ही सेलो टेप को उठाइए। यहाँ देख सकते हैं सेलो टेप को अच्छे से प्रेस नहीं हुआ था, मैंने नहीं की, गलती हो गई, तो यहाँ कलर छूट गए। तो यहाँ ठीक से करना है कलर को, तो इसलिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट एक्रेलिक कलर। ऐसे आप देख सकते हैं पहले से अच्छा लग रहा है। अब हमें यूज़ करना है पिंक एक्रेलिक कलर, और ब्रश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 नंबर राउंड ब्रश। ये ऑप्शनल है ये डिज़ाइन, अगर आपको पसंद नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे हमें एंड तक करना है इस डिज़ाइन को।
अब ब्रश के बैक साइड पे सेम कलर सेरुलियन ब्लू लेके ऐसे हमें छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स करना है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय।